हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश किया था, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच Each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. यानी कि आपको वो smallest number find out करना है, जिसे इस number को multiply करने पे आपको एक perfect cube मिल जाए। तो देखिए, जैसे हमने square and square root में by prime factorization method से solve किया था, cubes and cube roots में भी same method हम implement करेंगे, that is प्राइम फैक्टराइजेशन। ओनली द डिफरेंस इज दैट कि हम स्क्वायर रूट में पेयर 2 लेते थे एंड क्यूब रूट में हम पेयर 3 का ट्रिपलेट लेंगे, तो उसी से हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 243 आपके पास वैल्यू है। सबसे पहले हम इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। देखिए 3 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, here is 3 1s are 3. Yani ki 243 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Ab dekhiye, 3 to ek pura pair ban gaya, lekin yahan par ek triplet banne mein 3 jo hai wo missing hai, to hum keh sakte hain 3 cannot be grouped of triplets. यानी कि जो 3 है, एक सिंगल, देखिए 1, 2 और यहां जो 3 आना चाहिए था वो मिसिंग है, तो 3 cannot be grouped of triplet. 3 जो है वो ट्रिपलेट के ग्रुप में नहीं आता है, जिस वजह से क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखेंगे इफ we multiply 243 by 3, we get a perfect cube. यानी कि अगर हम इस 243 को, जो एक 3 missing है, उससे अगर multiply कर दें, तो हमें एक perfect cube मिल जाएगा। अब हमें इस question में पूछा है, find the smallest number. यानी कि ये वो नंबर है जो मिसिंग था, जिससे ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3। तो हमारा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, जो पेयर मिसिंग था उससे समझाया कि 3 जो है वो इस ट्रिपलेट फॉर्म के ग्रुप में नहीं है। अगर हम 243 को, इस नंबर को जो एक मिसिंग फॉर्म है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, और जो आपका एक मिसिंग होगा, चाहे एक मिसिंग हो चाहे दो, वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। तो बच्चों, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है आपका 256। सेम मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। 256 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, एलसीएम करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. It means 256 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहां लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 2 pair है, ये भी 2 pair है, इसका pair जो है वो missing है। यानि कि हम लिखेंगे 2 cannot be grouped of triplet of equal factor, यानी कि जो equal factor बनना चाहिए, उसका 2 जो है
वो ट्रिपलेट के ग्रुप में नहीं है, सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी ठीक है, टू कैन नॉट बी ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट या फिर ग्रुप इन ट्रिपलेट। अब टू जो मिसिंग है तो हम लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड ही पूछा है तो आप मल्टीप्लाई का ही मेंशन करेंगे। इफ वी मल्टीप्लाइड टू बाय 256 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। इट मींस अगर हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो देखिए यहाँ हमें उसके आगे का क्यूब निकालने के लिए मेंशन नहीं किया है, बस ये बोला है कि हमें वो नंबर बताना है स्मॉलेस्ट, तो हम लिख देंगे सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। वो एक नंबर जो था जो इस पूरे क्वेश्चन जो था 256 को एक परफेक्ट क्यूब नहीं बनने दे रहा था वो था 2, तो वो हमने मेंशन कर दिया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है 2। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 72। सबसे पहले सेम मेथड, हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखिए 72 इज इक्वल टू हाउ मेनी टू, यहाँ 3 2 है और 2 times 3 है। तो देखिए ये तो पेयर है, इसका 3 का एक पेयर मिसिंग है, तो हम लिखेंगे 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है, यही ऐसा है जो इक्वल फैक्टर जो है इसका पेयर नहीं है, तो इस वजह से इक्वल फैक्टर नहीं है। तो हम मेंशन करते हैं इफ वी मल्टीप्लाई 3 बाय 72 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर हम इस 72 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो हमने देख लिया, यहां लिख दिया, अब लिखेंगे हम द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, क्योंकि 3 जो है वो पेयर में नहीं है, तो वही एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारा 675। सेम मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा 675। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 है, 3 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था, तीनों नंबर ऐड करते हैं 6 and 5, 12 and 7, 19, ये 6 से भी डिविजिबल, 3 से नहीं है, 6 and 5, 11, 11, 7, 18, ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 6 plus 7 plus 5 कितना होगा 7 and 6, 13 plus 5, 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। करके देखते हैं 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, अगेन 3 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3 3 2 6, 3 5 15। अब 25 सिर्फ 5 के टेबल में आता है तो 5 5 25 एंड 5 1 5। नाउ 675 इज इक्वल टू 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5। अब देखिए ये तो एक पेयर है लेकिन 5 का पेयर जो है वो मिसिंग है और वो भी एक पेयर मिसिंग है, तो हम लिखेंगे 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। इफ वी मल्टीप्लाइड 675 बाय 3 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। इट मींस मल्टीप्लाइड बाय 5।
ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई 675 बाय 5 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। जो ये पेयर में एक नंबर मिसिंग है 5, अगर हम इस नंबर को उस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 100। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका। 2 5s are 10, 0। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। सी अब इस 100 में आप ध्यान से देखें, इसमें 2 जो है वो भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं है, 5 जो है वो भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं है। तो हम लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी कि इसमें 2 ही है, 3rd के लिए एक पेयर मिसिंग है, 5 का भी एक पेयर मिसिंग है। तो हम लिखेंगे, ये आपने एग्जाम में ऐसे नहीं मेंशन करना है, आपने सिंपल ऐसे लिख के लिखना है। इतना लिखने के बाद 2 एंड 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। ये हमने मेंशन कर दिया कि 2 और 5 दोनों ही ऐसे हैं जो इसको ट्रिपलेट फॉर्म नहीं बना रहे हैं। इफ वी मल्टीप्लाइड 100 बाय 10, 10 कैसे आया? 2 into 5, क्योंकि दोनों पेयर मिसिंग है। तो इफ वी मल्टीप्लाई 100 बाय 2 एंड 5 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब, राइट? आप 100 बाय 10 लिखो या 100 बाय 2 एंड 5, बोथ आर सेम, क्योंकि 100 को हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। चाहे करके देखिए, 100 को पहले 2 से देन 5 से, तो आपके पास आ जाएगा ये 1000, राइट? तो अब हम लिखेंगे, सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज, अब देखिए 2 एंड 5 दोनों है ना, तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 10, क्योंकि 2 into 5, 2 भी ट्रिपलेट के ग्रुप में नहीं है और 5 भी नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो आपका एक स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट पार्ट है हमारा 81। सेम एलसीएम लेंगे, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सी अब देखिए इस पार्ट में क्या है, 81 के पेयर्स जो है वो 3 3 3 है, ये 3 एक एक्स्ट्रा है क्योंकि इसका ट्रिपलेट तो है, इसका नहीं है, और आपको पूछा है वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिसको इस नंबर से डिवाइड करने पे एक परफेक्ट क्यूब मिले। तो अगर हम इस 81 को इस 3 से डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो अब इसको कैसे मेंशन करना है वो देखिए। तो 81 के फैक्टर हुए 3 into 3 into 3 into 3। अब देखिए ये तो पेयर पूरा ट्रिपलेट का बन गया, 3 एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। जिस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स में मेंशन किया, आपको सेम प्रोसेस थर्ड क्वेश्चन में करना है। बस यहां पर हम लिखते थे इफ वी मल्टीप्लाई, पर यहां क्वेश्चन में क्या कहा है, डिवाइड। तो इफ वी डिवाइड 81 बाय 3 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या मिल जाएगा? परफेक्ट क्यूब। तो आप चाहे तो न्यू नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, वो न्यू नंबर क्या होगा आपका, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 27, और 27 आप जानते हैं
3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन गया। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो ये वो नंबर आ गया जिससे अगर हम 81 को डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है 128। एलसीएम लेंगे इसका, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ 2 से 2 16, 2 8, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। नाउ 128 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया ट्रिपलेट फॉर्म, ये भी हो गया ट्रिपलेट फॉर्म, लेकिन ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं है। तो 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स इफ वी डिवाइड 128 बाय 2, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। न्यू नंबर इज 128 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 64। अब 64 किसका क्यूब है? तो 64 4 का क्यूब होता है, वो आपको यहां से पता चल गया। इसका ट्रिपलेट 2, इसका ट्रिपलेट 2, 2 into 2 4, यानी 4 का क्यूब होगा आपका 64। तो आप लिख देंगे सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 135। सेम 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए 5 6 7 8 9, तीनों को ऐड करने पे 9 है, इट मींस ये 3 से डिविजिबल है। 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 एंड हियर इज 5 1 5। नाउ 135 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5, ये तो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, ये नहीं है। तो 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स इफ वी डिवाइड 135 बाय 5, तो ये हट जाएगा, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए डिवाइड कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 3 का ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो न्यू नंबर में सिर्फ मेंशन कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, वरना इस क्वेश्चन में इतना करके आप स्मॉलेस्ट नंबर 5 लिखेंगे तो भी ये आपका करेक्ट होगा। अब न्यू नंबर क्या आएगा, 135 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 27। अब देखिए 27 जो है वो आपको पता है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो हम लिख देंगे सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी फिनिश हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट देख, नाउ फोर्थ पार्ट इज 192। 192, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। समटाइम अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है और आपको डायरेक्ट उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाला जाता तो आप रफ में उसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 2 9 18 एंड 12 is 2 6 12, तो इस तरीके से आप ये नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 192 के क्या पेयर्स आए, 1 2 3 4 5 6 तो 2 है और 1 3, 1 2 3 4 5 एंड 6 और साथ में है इसके 3,
ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म है, थ्री जो है वो एक ऑड हो गया, तो हम लिखेंगे थ्री कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स इफ वी डिवाइड 192 बाय 3 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो न्यू नंबर इज 192 को 3 से डिवाइड करिए, 3 6 are 18 and 3 4 are 12। तो अब सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, ठीक है। तो ये हुआ आपका फोर्थ पार्ट, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ इज 704, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे 704। फर्स्ट टू, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 6 are 12, 2 8 are 16, and again 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 22, and 2 11. Here is 11 1. 2 2 are 2 3 are 6, 10 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 15 2 7 are 14, 2 6 are 12, 2 8 are 16, and 2 8 are 16. तो यानी कि अब देखिए हम लिखेंगे 704 is equal to 2 multiply into 11. 2 तो triplet है, यहाँ भी है, 11 जो है cannot be grouped into triplet of equal factors, ठीक है। तो हम लिखेंगे if we divide 704 by 11 we get a perfect cube, right? तो new number आपको पता है, इससे ये divide कर देंगे, तो new number is 704 divided by 11. 11 6 are 66 and 11 4 are 44. So the smallest number is 11. तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। तो अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है आपका, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखिए परीक्षित एक बच्चा है, उसने एक क्यूबॉइड बनाया। आपको पता है क्यूबॉइड ऐसे होता है, राइट। अब ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड जो होता है इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती है। अब हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, ऐसे कितने क्यूबॉइड वो बनाए, ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, जिसे वो क्यूब की फॉर्म में चेंज कर सके। तो देखिए हमें पता है, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट मीन्स 5 × 2 × 5, ये आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब यानी कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम मेथड इंप्लीमेंट करना है, देखिए इसमें हम लिखेंगे 50 is equal to 2 multiply 5 multiply 5. अब देखिए 5 का भी पेयर नहीं है और 2 के भी नहीं, कितने नहीं है, तो 2, 2 and 5 cannot be grouped into triplet of
इक्वल फैक्टर, राइट। इसका मतलब 2, 2 एंड 5, देखिए 2 सिंगल है, 2 और चाहिए तो ट्रिपलेट बनेगा, 2 5 है, 1 सिंगल 5 और चाहिए तो एक ट्रिपलेट तैयार होगा। तो 2, 2 एंड 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर हुआ। इट मींस इफ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 5 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो करिए 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या होगा, 20, राइट। यानी कि अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। और आपको पता है कि क्यूब जो होता है वो भी इसी फॉर्म में होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होते, मींस एक क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि तीन साइड्स होती हैं जो तीनों इक्वल होती हैं, और वो इक्वल हमारी क्या निकली, 20। तो हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, कितनी नीड पड़ी, तो हम लिखेंगे 20 क्यूबॉइड, यानी कि 20 क्यूबॉइड होंगे जो एक नीड टू फॉर्म अ क्यूब, जो आप एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड, तो ही नीड 20 क्यूबॉइड टू फॉर्म अ क्यूब। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।